सब मेरी गलती। मैंने इसे रोका था कि मेरे साथ ना आए। क्यों मानी इसकी जिद मैंने? क्यों? आदम, चुम्मन ने अपनी दोस्त की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। खुद पर इल्जाम लगाकर कि उसकी कुर्बानी को छोटा ना कर। चुम्मन एक सच्चा दोस्त था। दोस्त चला गया मेरे साथ। मेरा दोस्त चला गया। इसने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। मेरे तो सिर्फ एक बार इसकी जान बचाई थी। और इसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। हौसला रखवाते हैं। आज जुम्मन ने इंसानों से बेहतर काम किया। बहा लिया तुम शैतानों ने, अब और नहीं। इसका मतलब हातिम ने उन शैतानी ताकतों पर फतह पा ली है। कुल, तेरी बेटी, मुझे जल्द से जल्द अपने महल वापस लौटना होगा। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। चलो माता। कुल, अब्बा, ठीक हो गई बेटी? यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे अब्बा कहकर पुकारा। अब्बा, क्या हुआ था मुझे? मैं कहाँ हूँ? बताइए हातिम। हातिम,
ठीक हो गई, मैं वापस लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया हातिम, तुमने अपना वादा निभाया, हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। हातिम, आपको तो आपकी बेटी वापस मिल गई बादशाह, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। बहुत दूर चला गया हूं मुझसे, मेरा दोस्त खोकर मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इसके बिना मैं कैसे हुआ ये सब? किसने? زرغام اس نے مجھ سے میرا بھائی چھین، میرا دوست چھین، میں اسے اب اپنے اور ٹکڑے نہیں کرنے دوں گا۔ زرغام جیسے شیطان کو ہماری اس خوبصورت دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم سے جو بھی مدد چاہیے ہم دے گے حاتم، تم بس بولو ہمیں۔ زرغام کے ٹکڑے تو میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ آپ مجھ پر ایک مہربانی کر دیجئے۔ ہاں بولو حاتم، حکم کرو۔ میں چاہتا ہوں میرے دوست کو ایک سچے سپاہی کی طرح بدر لیا جائے۔ شادی طور پر بچہ بچہ اس کی قربانی یاد کر جو اس نے شیطانیت کو ختم کرنے کی جنگ میں دی۔ تم نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ تم ہم میں سے ایک نہیں۔ دوسرے کی زبان سمجھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دل کی زبان کا رشتہ تھا ہمارا۔ تم میرے سے چھوڑ کے مت جاؤ بہن۔ پریزاد، तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतना भरोसा तो हमें कभी इंसानों पे भी नहीं हुआ जितना हमें चुम्बन पे था। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार।
इसीलिए क्योंकि हातिम पर हमला करके आप भी कमजोर हो गए थे और इस काबिल ना रहे कि उसका मुकाबला कर सके। पागल हो गया है तू लाका, मेरी ताकत पर तुझको शक है? मेरी ताकत की आजमाइश देखना चाहता है? मेरे आका! मैं यही अर्ज कर रहा था मेरे आका, हातिम पर वार करने के लिए यह सही वक्त नहीं है। अगर आप उस पर वार करते हैं तो मैं भी मारा जाऊंगा क्या? नहीं लगा, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हातिम की मौत चाहिए लाका, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। सब्र सब्र मेरे आका, हातिम की मौत और भी कई तरीकों से हो सकती है, उसके लिए आपको अपनी जान की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं। जो बताना चाहता है वो सीधे सीधे बोल लाका, यूं पहेलिया ना बुझा, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार। हातिम की मौत उसकी तलाश में खुद यहां आ चुकी है। कोशिश जरूर कर सकता हूं, मुझे एक मौका दो। कुछ ख्वाब कभी नहीं भरे जा सकते बादशाह। फिर भी शुक्रिया, अब हमें इजाजत दीजिए। अगर मैंने कुल का सच तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो शायद आज जुम्मन जिंदा होता, हमारे बीच होता। सारी जिंदगी ये बात मेरे मन में कांटे की तरह चुभती रही। आलिम लोग इसीलिए कह गए कि सच कहने में ही राहत है। बिल्कुल सही कहा हातिम, सच कहने में ही राहत है। और यही तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब भी है। हा?
इसके साथ तुम्हें एक करिश्माई ताकत और भी मिलती है। आज के बाद दुनिया की कोई भी आग, कोई भी आतिश तुम्हें कभी भी जला नहीं सकेगी। से और भी ताकतवर बन गए। बाबा, मायरा, सदियां बीत गई तुझे यूं गले लगाए हुए। इस भातिम की वजह से मुमकिन हो पाया है बाबा। तो सब जानते हैं ना? हाँ बेटा, मैं सब जानता था और इसीलिए इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि हातिम जैसा कोई मसीहा आए। हातिम, तुमने एक बाप को उसकी बेटी से मिलवाया है, ऊपर वाला तुम पर और नेमत बरपा करे। और इसी तरह दूसरों के गमों को खुशियों में बदलते रहो। तुम जिस मकसद से इस सफर पर निकले हो उसमें जरूर कामयाब होंगे। और अब तुम्हारा पांचवा सवाल। बोलता पहाड़ गोहिंदा की खबर लाओ। आज से तुम्हारी उड़ने की ताकत वापस ली जाती है जरगाम। हातिम, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी सच्चाई की ताकत पर शक किया। हाँ हातिम, हम शर्मिंदा हैं। मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है हातिम, बहादुर और सच्चा। हातिम, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। हाँ हातिम, हम सबको तुम्हारे जैसा बनना है। इसमें शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जब तुम अपनी सच्चाई का परचम दुनिया भर में लहरा रहे होगे, तब मैं पहले की तरह इन बच्चों को तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाऊंगी, ताकि ये तुम्हारी तरह बन सके। एक बात जरूर बताइएगा शहजादी कुल, यही कि हर बच्चे में एक हातिम जरूरत है तो बस पहचानने की। हातिम, हमारे सभी कासिद वापस आ गए हैं। अफसोस, किसी को भी कोहिनीडा की कोई खबर नहीं मिल पाई। मदद के लिए शुक्रिया बादशाह। कोहिनीडा का पता हमें खुद ही लगाना होगा। शायद इससे तुम्हें कोई मदद मिल पाए। यह एक शाही विरसा है, सदियों से हमारी हिफाजत में था। दरअसल ये एक अजली
रूहानी रोशनी है। दुनिया का अंधेरे से अंधेरा कोना भी इसकी तेज रोशनी से जगमगा उठता है। तोहफा कबूल करो हातिम, हम सबको बेहद खुशी होगी। शुक्रिया बादशाह। इजाजत दीजिए। बचाओ! कोनिदा की तलाश में भी तो जाना है। तुम दोनों को मेरे साथ कहीं नहीं जाना, दोनों वापस घर लौट जाओ। क्या मतलब? फिर से कहना, ये सफर मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम दोनों को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। आने की जरूरत नहीं? नहीं परिजात, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक दोस्त को खो दिया, अब मैं तुम्हारी और कासिम की जान की कुर्बानी नहीं दे सकता। यही सही होगा, तुम दोनों लौट जाओ। लौट जाओ? इसे कैसे वापस लौट जाओ हातिम? और तुमने अकेले कैसे फैसला कर लिया कि क्या सही और क्या गलत? जो मंजर तुम्हारा दोस्त नहीं था हातिम, वो हमारा भी एक अजीज दोस्त था।
मेरी सुन। मैं मैंने अपना घर, अपना मुल्क, अपने लोगों को छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकली। तुम्हारे मकसद को अपना मानकर हमारे साथ चली थी और तुम खुद कर्ज की तरह हमें वापस लौटने के लिए कह रहे हो। कैसे कह सकते तुम ये आतिम? आतिम, हमारी सोचो, हमने जमाने से कोई लंबा हाथ नहीं मारा। हम ठहरे एक आवारा भगोड़े चोर, छोटे मोटे जुर्म करके खुश रहने वाले। लेकिन हातिम, तुमने हमें दूसरों के लिए जीना सिखाया। कसम से कह रहा हूं, अगर तुम कहो तो हम किसी भी शैतान, चुड़ैल, यहां तक कि खूंखार दरिंदे से भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हमें इस तरह अपने से अलग मत करो। हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते, किसी का भी मुकाबला कर सकते। हाँ, अगर हम साथ हैं तो हमारे पास ताकत है। इस ताकत को मत तोड़। ठीक है, तुम दोनों सही, मैं गलत। माफ कर दो। ये बिना बात, अब जल्दी से खाना खा लो, सुबह हम साथ निकलेंगे। ठीक। उस सामने एक गुफा है, आज रात वहीं बिताते, बाकी सुबह सोचे। कुछ नहीं होने दूंगा भाई जान, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। जुम्मन, अब मेरी वजह से मेरा कोई अपना जान नहीं गवाएगा। सुबह कहाँ चला गया? उसने हमें जगाया भी नहीं। चलो ढूंढते उसे। हातिम! 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 Thank you.
हातिम, हातिम, हातिम। बस, कोई फायदा नहीं। हातिम जा चुका है। हाँ? जा चुका है? लेकिन कहाँ? हमारी हिफाजत के लिए मैं छोड़कर चला गया। मुझे कल रात को ही समझ जाना चाहिए था, जब उसने हमारी बात इतनी आसानी से मान ली थी। मुझे सोना नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती। इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला? परिजात, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हातिम कहाँ हो तुम? मैं तुम दोनों का गुनहगार, लेकिन मैं चाहता हूं जिस दिन तुम मेरी बात समझोगे मुझे माफ कर दो। माशा शकूरा उरा कूरा हुर हुर हुरेरा। पापा कश्मान? हाँ हातिम, मैं कश्मान। मैं तुम्हें यमन वापस ले जाने के लिए आया। यमन घर? हाँ हातिम, यमन पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए। खतरा? कैसा खतरा? अम्मी अबू तो ठीक है ना? वो सब ठीक, लेकिन यमन, यमन के लोग, सारी इंसानियत खतरे में है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस लौटना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। या खुदा, यमन पे और मेरे अम्मी अबू पे रहम बनाए रखना। ए, रुको। शैतान को रोकना होगा। आ, 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 आ,
खूंखार दरिंदा महल तक पहुंच चुका है और उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी और हजारों लोगों को मार डाला है। तुम्हारे अब्बू को ले के अपने अब्बू को बचा। कौन ले गया अब्बू को, कहां ले गया? बोलिए अम्मी, बताइए। हातिम, ये उसी खूनी दरिंदे का काम है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि वो कहां से आता है, कौन है। बस कुछ दिनों से बड़ी बड़ी सल्तनतों पर वो हमला करता है और वहां के हुक्मरानों को उठाकर ले जाता है। कोई फौज, कोई हथियार उस पर काम नहीं करता। यही वो बड़ा खतरा है आतिम, जिसके बारे में आगाह करने मैं तुम्हारे पास आया था। ये क्या हो रहा है पापा? अम्मी का हाथ क्यों काला पड़ता जा रहा है? ये उसी खूनी दरिंदे का काला जादू है। नीलमणि, thank you.
अमरी पे तो नीलमणि भी असर नहीं कर रही है। रुको, मैं देखता हूं। कूर माशा शकूरा उरा कूरा, ए इल्मे गैब के मालिक मुझे आगाह कर पूरा। क्या हुआ बाबा? हातिम, ये काला जादू बहुत खतरनाक। ऐसा मत कहिए बाबा, मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए। भी तो इलाज होगा, कहीं तो होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं बाबा। मैं बताता हूं, देखिए अम्मी को क्या हो गया। देखिए शर्जिल, उस खूनी दरिंदे का कुछ पता चला? लेकिन बाबा, उस दरिंदे का पता लगाने से पहले हमें इस अजीबोगरीब बीमारी के इलाज का पता लगाना होगा। ने मेरी अम्मी और यमन की रियाया का ये हल किया, इस पे तो नीलमणि भी कुछ असर नहीं कर रही, क्योंकि इसका इलाज और वो दरिंदा दोनों ही इस दुनिया के नहीं है। हातिम, उस दरिंदे का कोई कायदा, कोई मजहब नहीं है, इसलिए कुछ करने से पहले मुझे उस परिंदों को ढूंढना होगा। कहां मिलेगा वो खूनी दरिंदा? मैं अपनी अम्मी अबू और अपनी रियाया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कहीं भी जाने को तैयार हूं। बताइए बाबा। हातिम, हमें फौरन उस दरिंदे की तलाश में निकलना होगा।